नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं जो ट्रेड फेयर एक्सपो मार्ट में आयोजित किया गया है उसके बैक साइड में, जहां आपको हॉल नंबर 9 मिलेगा, हॉल नंबर 14 मिलेगा, हॉल नंबर 10 मिलेगा। साथ ही जो यूपी का स्वाद है, अगर आप खाना पीना चाहते हैं तो उसका स्टॉल भी यही मिलेगा। हॉल नंबर 9 अभी चलेंगे अभी हम लोग, और आपको हॉल नंबर 9 का टूर दिखाएंगे, जहां एक जिला एक उत्पाद जो ODOP जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसके तहत जो अलग अलग आपको स्टॉल लगाए गए हैं उसके बारे में दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं हॉल नंबर 9 और देखते हैं कौन से जिला का क्या है, खास उत्पाद क्या है, कौन से जिले की पहचान। अब हम आ चुके हैं हॉल नंबर 9 में, जहां आपको दिखाएंगे एक जिला और एक उत्पाद जो आप देख रहे होंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोडक्ट्स लगे हैं, ये आप देख रहे होंगे। एक जिला की है, दूसरा आगरा की लगी हुई है। ये आगरा की जो है आपको स्टॉल लगी है, जो कि आगरा का प्रसिद्ध आपकी जो है वो पिलो और टॉयज वगैरह का है। ये आपका शूज़ का है, आगरा की जो है, आगरा का जूता काफ़ी प्रसिद्ध है। हमारे जयंत जो है, जयंत शूज़ भी जो है आगरा का बहुत पॉपुलर था। तो आप अगर जूता देखना चाहते हैं तो आगरा के स्टॉल पे आ सकते हैं। इसके अलावा और अगर हम आगे बढ़ें तो ये देखिए, पूरा जो स्टॉल है वो आगरा का है और शूज़ का है। जो लेदर की जो कारीगरी है, जो चमड़े की कारीगरी है, वो आपको आगरा वाले ज़िले में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आप उस कारीगरी को देख सकते हैं हॉल नंबर 9 में। आइए अब दूसरे ज़िले की क्या कारीगरी है उसे देखते हैं। अब हम आ गए हैं सीतापुर में। सीतापुर जो अपने उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध ज़िला है, वहाँ की अगर देखें तो कालीन का काम जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। कहाँ से हो, कौन से ज़िला से आप आए हो भाई? भदोही से। भदोही से? भदोही से आया। तो भदोही में कालीन का काम अच्छा जी है। हाँ। सही है व्यापार? हाँ। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा अनुभव है इस एक्सपो का? अब वैसे तो अभी तक कल वो आए गए थे, पूरा दिन उसमें चला गया था। अभी जो है तो अब बाहर से आ रहे हैं, कार्ड वार्ड मतलब बात बात कर रहे हैं, तो आगे चल के देखते हैं मिलता है कि नहीं ऑर्डर। समय बताएगा कैसा होगा। तो भदोही, सीतापुर, आप इस तरीके से देखें तो अलग अलग ज़िले से लोग आए हैं। आप कौन से ज़िले से आए हैं भाई? यूपी मऊ से हूँ सर। अच्छा, मऊ से। क्या उत्पाद दिखा रहे हैं इस ट्रेड फेयर? ये साड़ी है, सूट है हमारा। क्या रिस्पॉन्स है लोग, कैसा? आज पहला दिन है, कस्टमर का दिन है, तो आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आगे भी अच्छा ही हो। क्या उम्मीद रखते हैं? अच्छा है अभी तो फिलहाल लग रहा है। अच्छा, ये व्यापार सही चल रहा है आप? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। कोई समस्या व्यापार में? चुनौती क्या है मऊ में इस व्यापार को लेकर? कोई चुनौती नहीं है, बढ़िया चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जैसे मऊ का आप देख रहे थे कि मऊ का जो है आपको कपड़े का काम जो है मऊ का, ये आप देख रहे थे। इसके अलावा अब दूसरे अलग अलग लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का चिकन का काम जो है काफ़ी फेमस है। ये कैसा रिस्पांस मिल रहा है मैम इसे? बहुत अच्छा रिस्पांस है और योगी जी की बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी एक बहुत ही अच्छा कदम है, जो सारे उत्तर प्रदेश की जितनी भी कलाकृतियाँ हैं या उनके आर्ट। ये लखनऊ का जो चिकन उद्योग है इसके बारे में थोड़ा बताइए। चिकनकारी एक बहुत ही पुराना आर्ट है, आज लुप्त होता जा रहा है, बट गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं जो आगे से आगे शिल्पकारों को कर रहे हैं, और हमारी फर्म तो 1965 से चल रही है। और हम आपने कहा भी लुप्त होता जा रहा है, तो जीवित रहेगा या लुप्त हो जाएगा? बिल्कुल जीवित रहेगा। योगी और मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है, मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा योगदान है, जो कि शिल्पकारों को बहुत मदद करता है और उनको आगे से आगे लेकर जाता है। बिल्कुल आएँ, अगर आप फैशन के दौर में हैं और अगर लखनऊ की अगर चिकन की कारीगरी अगर काम देखें तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, और एक बार इस्तेमाल करके देखिए इसे, तब पता चलेगा कि आपको यूज़ करना है या नहीं करना है आगे। आप उसी तरीके से लखनऊ उत्तर प्रदेश के दूसरे ज़िले की बात करें, जैसे अलीगढ़ ज़िला है, अलीगढ़ ज़िले का ताला मशहूर है। तो अलीगढ़ ज़िले का जो है एक उत्पाद काफ़ी पॉपुलर उत्पाद है ताला, तो इसके उद्योग के बारे में बताएंगे, जो अलीगढ़ का ताला क्यों प्रसिद्ध है, क्या कुछ खास है अलीगढ़ के ताले में? सर, काफ़ी टाइम से बन रहा है वहाँ पे ताला, और वहाँ के ताले की क्वालिटी है कि टूटता नहीं है आसानी से, वहाँ टूटता नहीं जी। और वहाँ का ताला हमारा जो है श्री राम अयोध्या जी के मंदिर में भी पहुँचा हुआ है, वहाँ पे इस वक्त लगा हुआ है ताला जी। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इस एक्सपो का? इस एक्सपो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आपका जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, एक्सपोर्टर्स हैं, बायर्स हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो श्री राम मंदिर में भी ये बता रहे हैं कि अलीगढ़ का ही ताला लगा हुआ है। दूसरे अलग अलग ज़िलों की बात करें, जैसे मुरादाबाद की बात करें, तो मुरादाबाद का पीतल का जो काम है, आपको एक ज़िला एक उत्पाद है उसके तहत जो मुरादाबाद का पीतल का काम है, काफ़ी प्रसिद्ध है पीतल का कारीगरी मुरादाबाद में। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है भाई आपको इस ट्रेड शो का? रिस्पॉन्स सर अच्छा मिल रहा है, पहले दिन काफ़ी अच्छा रहा, योगी सर आए और हमारी प्रेसिडेंट भी आई, और दूसरा दिन अभी भी अच्छा है,
और आगे उम्मीद अच्छा रहेगा। मुरादाबाद में अभी जो पित्तल का उद्योग है, इसकी क्या स्थिति है? मगर उस पीतल धातु के साथ और भी धातुएं आगे बढ़ रही हैं, जैसे कि अल्मोनियम है हमारे पास और पीछे आपका स्टील लगा हुआ है, तो और पीतल की स्थिति के साथ साथ हम और धातुओं पर भी काम कर रहे हैं। तो ये आपने देखा कि जैसे उत्तर प्रदेश का एक काफ़ी प्रसिद्ध ज़िला है मुरादाबाद, तो मुरादाबाद का जो पीतल का काम है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। कैसा अनुभव है भाई आपका एक्सपो का? कौन से ज़िले से आए हैं आप? हम मुरादाबाद से हैं सर। कैसा अनुभव है आपका? बहुत बढ़िया। अच्छा अनुभव? यस। तो आप इसी तरीके से अगर और दूसरे बुलंदशहर की देखें, जो कि अपने गौतम बुद्ध नगर का पड़ोस का ज़िला ही है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस एक्सपो का? अच्छा है फिलहाल के लिए, अभी फुटफॉल कम है बट अच्छा है अभी आज के लिए तो। अच्छा है। जी जी। ये क्या आपने प्रदर्शित किया है, क्या प्रोडक्ट है ये? पूरा टेबल वेयर सोल्यूशन है सर हमारा, और हमारे पास होम डेकोर टेबल वेयर वासेस सारे सब हैंड क्राफ्टेड है पूरा। ये एक एक फ्लावर हैंड क्राफ्टेड है पूरा। उसके बाद वासेस हैं हमारे पास, ये हमारी स्पेशलिटी है, मतलब ये जो कोन वर्क है ये हमारी स्पेशलिटी है। हमारे पास इस तरीके से क्यूट क्यूट से हैंगर्स हैं और बॉटल्स कवर्स हैं जो बॉटल्स के ऊपर लगाते हैं, वाइन बॉटल्स और उनके ऊपर ऑलिव ऑयल बॉटल। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड दिस इज़ अ वास, दिस इज़ फुल्ली हैंड क्राफ्टेड, एक एक पीस पेटल इसका हाथ से बनाया गया है, एवरीथिंग इज़ हैंड क्राफ्टेड इसमें। क्या रिस्पॉन्स? अच्छा रिस्पॉन्स है। हाँ, अच्छा है अभी के लिए, अच्छा है। आज मतलब सेकेंड डे है तो उस हिसाब से बेटर है, कल से बेटर है। हाँ, कल भी आईपीओ मोमेंट था इसलिए आज बेटर है। आज बेटर है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं बुलंदशहर का, मुरादाबाद का, आप अलग अलग ज़िलों की अगर बात करें तो ये आपको सहारनपुर का है, सजावटी सामान की बात करें तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको इस एक्सपो से? सही है सर, रिस्पांस अच्छा है। कौन से ज़िले से आए हैं आप? सहारनपुर से। क्या प्रोडक्ट है आपका, सजावट का क्या सामान है? सर हम लोग वॉल पैनल्स, मिरर फ्रेम्स, वुडन स्क्रीन्स, ट्रेस बनाते हैं भाई आप लोग? मैंगो वुड से मेनली, और दूसरा हमारा MDF से बनता है। तो आप देखिए, तो लकड़ी से जो है सजावटी सामान कारीगरी जो है वो सहारनपुर का काफ़ी प्रसिद्ध है, वो भी लगाया गया है। इसके अलावा और दूसरे ज़िले की बात करें तो ये भी सहारनपुर की स्टॉल ही है, फिरोजाबाद की, बुलंदशहर की। मैं रुकूंगा नहीं। अब आप देख रहे हैं ABODOP, जैसे उत्तर प्रदेश का संभल है, उत्तर प्रदेश की ज़िला, तो संभल ज़िला का लगा हुआ है प्रोडक्ट। इसके अलावा आपको अलग अलग और भी दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको मिलेगा, कानपुर, कानपुर के साथ साथ जो आपका महोबा है, इसके अलावा आपको फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो खासियत है जो ग्लास का जो काम है, वहाँ पे ग्लास का काम जो है, ग्लास की नकाशी जो है अलग अलग हाथ से जो बने हुए उनके प्रोडक्ट है उसको दिखाया गया है। इसके अलावा आपको अगर दूसरे ज़िलों की बात करें तो आपको ख़ास करके जो है उत्तर प्रदेश में बनारस की बात करें तो बनारस की कारीगरी बहुत प्रसिद्ध है। बनारस की जो चिकन की और बनारसी साड़ी की जो काम है वो भी उस प्रदर्शित किया गया है इसमें। इसके अलावा ये आप अगर आप देखें तो मुरादाबाद की है। दूसरे आप इस विजुअल के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आपको कालीन का काम जो है किया गया है। अब उत्तर प्रदेश जो है वो पैरेलली आपको मेटल्स में धातु से निर्मित जो हैं वो बर्तन वगैरह भी काफ़ी तेज़ी से और अच्छे यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। ये था हॉल नंबर 9 में एक ज़िला एक उत्पाद, जो ODOP प्रोडक्ट स्कीम है गवर्नमेंट का, उसके तहत आप देख रहे थे अलग अलग ज़िलों के प्रोडक्ट के बारे में। इसी तरीके से ट्रेड फेयर की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप जुड़ रहे हैं ग्रेड न्यूज़ के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।